नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़। आज हमारे साथ हैं फौजी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राम महर मलिक जी। मलिक जी, आपका हमारे चैनल में पहले स्वागत है। धन्यवाद सर। मलिक साहब, जो काम देश के नेताओं को करना चाहिए, ईवीएम को लेकर आप पूरे देश के अंदर बड़े व्यापक आंदोलन कर रहे हैं। पूरे जहां तक देखा जाता है, पूना, नासिक, अहमदाबाद, गुजरात वगैरह जैसी जगह पे जाके आप बड़े बड़े आंदोलन कर रहे हैं, क्या कारण है इन आंदोलनों के पीछे ईवीएम को लेकर? सुरेंद्र, ये बड़ा इस देश का दुर्भाग्य है कि ये जितनी भी बड़ी बड़ी पार्टियां जो आप बता रहे हैं, ये सारी की सारी पार्टियां आपस में शामिल हैं, चाहे वो आज अपोजिशन में हैं या जो सरकार में, ये सब मिले हुए हैं राज से, नहीं जब से देश आज़ाद हुआ है 72 साल से इनकी मिलीभगत हमेशा चलती आई है। ये इनकी सेटिंग होती है कि जब हम खा रहे हैं तो तुम मत देखना और जब तुम खाओगे तो हम नहीं देखेंगे। यही हाल ईवीएम के लिए भी है। आपने सुना होगा चुनाव के टाइम पर कई सारी पार्टियां चुनाव आयोग में भी गई हैं, सड़कों पर भी गई हैं, कई बार उन्होंने बोला है कि ईवीएम में धांधलीबाजी हो सकती है, इसको हटाया जाना चाहिए। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हो गए, जैसे ही नतीजे आ गए, इसके बाद एक भी आवाज़ इनकी कहीं सुनाई नहीं दी। सारे नेता गायब हो गए, पार्टियां गायब हो गई, इनकी आवाज़ें गायब हो गई है। तो हमने सोचा, अब देखिए हमारी तो सैनिकों की पार्टी है फौजी जनता पार्टी, और हमने तो इस पार्टी को बनाया ही सिर्फ इस मकसद से है कि देश में आज तक 72 साल से सबने खिलवाड़ किया है, आम जनता के साथ, किसान के साथ, मजदूर के साथ, गरीब के साथ, सबने खिलवाड़ किया। तो हमने इसलिए बनाया कि 72 साल में जो हक किसी ने नहीं दिया है, वो हक आम जनता को, सबको हक फौजी जनता पार्टी देगी। तो हमने सोचा है ये लोग उस वक्त आवाज़ उठाते थे, अब कहाँ गायब हो गए हैं, तो इसलिए हमें आगे आना पड़ा है। और हमारे साथ मुझे बहुत खुशी हो रही है कि धीरे धीरे देश की जनता हमारे साथ जुड़ती जा रही है। अब रही बात ईवीएम, सुरेंद्र देखिए, मैं कोई भी काम करूं, अब मैं किसी को वोट डाल रहा हूं, वो वोट मैंने किसी एक कैंडिडेट को जो मेरी पसंद का है मैंने उसको डाला है, तो ये मुझे इस चीज़ का विश्वास होना चाहिए, पक्का ये यकीन होना चाहिए कि मैंने जिसको जो वोट डाला उसको गई है। लेकिन अब बैलेट पेपर पर हम मोहर लगाते थे या उस पर निशान लगाते थे, मुझे मालूम है मैंने किसके ऊपर निशान लगाया है और वो वोट उसी को गई है। ईवीएम के अंदर ऐसा नहीं है, ईवीएम मशीन में बिल्कुल धांधलेबाजी है, इसके अंदर चिप लगता है, उसमें आप जो मर्जी कर सकते हैं। और ये फालतू की बातें करते हैं सरकारें, ये बोलते हैं कुछ नहीं हो सकता, बकवास करते हैं, ये इलेक्शन कमीशन भी फालतू बात करता है। इसके अंदर बिल्कुल धांधलेबाजी हो सकती है, संभव है, और हमने इसका पूरा डेमो दिया है। बॉम्बे से हमने एक किसी पार्टी को बुलाया था, उन्होंने 22-23 दिन में एक मशीन तैयार की है, उस मशीन का हमने डेमो दिया है जनता के सामने, और इलेक्शन कमीशन कहता है कि हमारे आकर के आप दिखाइए, और वो कह रहे हैं कि मशीन को हाथ नहीं लगाना। मशीन को हाथ नहीं लगाएंगे तो कैसे होगा? ईवीएम में धांधलेबाजी है और उसमें वोट डाला किसी को है, वो वोट जा किसी को रहा है, किसी को भरोसा नहीं है। तो इसलिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं कि ईवीएम को तुरंत हटाया जाना चाहिए। और दुख की बात है सुरेंद्र कि ये प्रजातंत्र तो बता रहे हैं हमारे देश में, लेकिन प्रजातंत्र नाम की चीज़ कहीं नजर नहीं आ रही कहीं भी। यानी जब एक देश की जनता कह रही है हमें ईवीएम नहीं चाहिए, तो नेता कौन होते हैं उसको रखने वाले, उनकी क्या औकात है? उनको हमने भेजा है वहां पर, हमने भेजा है भाई तुम ये शासन चलाइए और हमारा सबका ध्यान रखिए, सब जनता का भलाई करिए, तो वो कौन होते हैं? हमने मेरा वोट मैंने कैसे डालना है ये मेरी मर्जी है, मैं तो बैलेट पेपर से डालूंगा, तो ये मुझे कैसे डिक्टेट करेंगे कि मैं ईवीएम से डालूंगा? मुझे नहीं डालना। लेकिन सब पार्टी गायब होगी, इसलिए हमें बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। मैं मानता हूं इसमें समय लगेगा, लेकिन हम कामयाब होंगे, हम इसको हटा कर रहेंगे। इसके पीछे मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा, हमारे से तो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी में काफ़ी देश एडवांस हैं, और जिस देश ने, जिन्होंने ईवीएम सबसे पहले बनाई है, सबसे पहले शुरू की है, उन्होंने एक बार से ज़्यादा दोबारा कभी यूज नहीं किया। वो क्यों नहीं यूज करें? क्योंकि इसमें धांधलीबाजी है, फेयरनेस नहीं है। आप जिसको वोट डाल रहे हैं उसका यकीन ही नहीं कि वो उसको जा रही है। और जिस आदमी ने जिसको हमने बॉम्बे से बुलाया था, उसने तो यहाँ तक बताया, सुनकर आपको बताऊँ आप ताजुब करेंगे, यानी सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश हुआ था वीवीपैट लगाने का, वीवीपैट की भी धांधलेबाजी है, वो भी उन्होंने करके दिखाया हमें। यानी आपने जब एक बटन दबा दिया किसी पार्टी का, आपके सामने वहाँ पर फ्लैश हो गया है, सिस्टम पर फ्लैश हो गया, जिसको आपने दबाया उसका नाम भी आ गया, उसका निशान भी आ गया, लेकिन वो तुरंत कायदे से वो पर्ची गिरनी चाहिए नीचे प्रिंट होकर के, लेकिन ऐसा नहीं करते। उसमें भी पूरी सेटिंग है, इनका जो स्टाफ है वोटिंग के लिए, जो डिटेल है, वो स्टाफ पूरा ट्रेंड किया हुआ पहले से इन्होंने, वो पर्ची आपकी प्रिंट नहीं होगी, नीचे नहीं गिरेगी, वो ऐसे ही रहेगी, और आदमी उसको यकीन हो गया कि मैंने जिसका बटन दबाया था वो मेरे सामने नजर आ गया, इसका मतलब मेरा वोट उसको चला गया। लेकिन ऐसा नहीं है, वो वोट उसको नहीं गया है, दूसरा आदमी आकर के, सपोज उस दूसरे आदमी ने भी उसी का बटन दबाया, तो जो पहले वाले को दिखाया था वही फोटो उसको भी दिखा देंगे। इसी तरीके से करते करते मान लो 10 आदमी ने वोटिंग किया और 10ों ने उसी बटन को दबाया, तो 10ों को वही दिखाया जाएगा जो पहले वाले को दिखाया था, और 11वें आदमी ने उसको वोट कर दिया जिसको कि ये सिस्टम चाहता है, जिसको ये बनाना चाहते हैं, तो वो पहले के 10 और ये 11वां,
ये 11 के 11 उसी आदमी की नाम की पढ़ के जाएंगे तब वो नीचे गिरेंगे। तो कहाँ वीवीपैट सुरक्षित हो गया? कहीं भी सुरक्षित नहीं है, वीवीपैट में भी पूरी धांधलीबाजी है। तो ये बहुत दुखद है, और ईवीएम जब तक नहीं हटेगी, फौजी जनता पार्टी चैन से नहीं बैठेगी। जैसे आपने सुना होगा कि सैनिक जब लड़ाई में जाता है तो वो जीत हासिल करके बैरक में वापस आता है, जब तक वो जीत हासिल नहीं करेगा वापस नहीं आता है। तो हमारी भी ये लड़ाई है, हम भी ये समझ रहे हैं कि हम बॉर्डर पर हैं, इस वक्त हम बॉर्डर पर खड़े, सामने ईवीएम नाम का एक दुश्मन है, हम जब तक उस दुश्मन को नहीं हरा लेंगे हम वापस नहीं आएंगे, हम ईवीएम को हटा के रहेंगे। और कोशिश तो हमारी ये है कि ये इल्लीगल सरकार है जो आज बैठी है, ये चुनी हुई सरकार नहीं है, धांधलेबाजी की ईवीएम की मेहरबानी से ये सरकार बनी है। तो हमारी कोशिश पूरी है कि हम जल्दी से जल्दी सरकार को हटाएं, देश की जनता से समर्थन लेके इस सरकार को हटाएं और दोबारा बैलेट पेपर से चुनाव कराएं, और उसमें जो भी सरकार चुनी जाएगी वो फौजियों की सरकार होगी, प्रधानमंत्री जो बनेगा वो फौजी बनेगा। मलिक साहब, आपने बताया कि बहुत सारी धांधलेबाजी होती है ईवीएम के अंदर, लेकिन अगर बात करें कि बैलेट पेपर की, तो बैलेट पेपर के अंदर भी पहले बताया जाता है कि उनको भी कैप्चर किया जाता है, बूथ के बूथ कैप्चर हो जाते थे, तो उसके ऊपर क्या बोलेंगे आप? सुरेंद्र, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल होते हैं, बूथ कैप्चरिंग होते हैं, पहले भी होते थे और हो सकता है फिर भी हो जाएं। लेकिन आप एक चीज ध्यान में देखिए कि ईवीएम में तो एक बटन से आपके सारे काम चल जाएंगे, आपके लाखों वोट उसमें, आप बूथ कैप्चरिंग में कितना करेंगे, आप बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं डाल पाएंगे। कुछ सीटों का हो सकता है, कुछ मतों का हो सकता है, उसके अंदर बहुत ज्यादा धांधलेबाजी नहीं हो पाएगी, कितनी भी कोशिश कर ले, वो ईवीएम से बहुत बेहतर है, फिर भी बेहतर है। हाँ, फौजी जनता पार्टी की सरकार बनाएगी, आप जो कह रहे हैं, आपका जो डर है, जो शंका आपने पैदा की, हम इस शंका को भी मिटा देंगे। वो बूथ कैप्चरिंग हो कैसे जाएगी? अगर शासन ईमानदारी से होगा, प्रशासन की अगर नियत सही होगी, तो बूथ कैप्चरिंग नाम की कोई चीज आपको सुनने को नहीं मिलेगी, ये मैं आपको वचन देता हूँ। हाँ मलिक साहब, आपने बहुत अच्छा बताया, लेकिन एक बात और रह जाती है इसके बीच में कि ईवीएम को हटाने के लिए क्या करना होगा, क्योंकि जो नेशनल पार्टीज हैं वो इसकी अपोजिशन में बिल्कुल भी नहीं बोल रही हैं। जैसा आपने बताया कि सभी मौसेरे भाई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है कि अगर इसको हटाना होगा ईवीएम पे, तो जनता को क्या करना होगा वो भी उस बताएं। नहीं, मैं सुनिंदा, आपने बिल्कुल सही बात कही है, एकदम कड़वी बात कही है आपने, कि ये सारे मिले हुए हैं, मौसेरे भाई हैं, और ये आवाज नहीं उठाएंगे, क्योंकि जिनके पास आज सत्ता है वो लोग गलत हैं, वो शासन करने के लायक नहीं है, इस देश के ईमानदार लोग नहीं है वो बहुत ही गलत लोग हैं। आप देखिए पीछे का इतिहास उठा के, भारतवर्ष की आजादी के अंदर इनका कोई योगदान नहीं है, इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया है, आज वो देशभक्ति का सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं, अपने आप को देशभक्त बता रहे हैं, बाकी जो उनके खिलाफ आवाज करता है उसको वो देशद्रोही बोलते हैं। वो देशद्रोही हैं जो आज बैठे, ये देशद्रोही हैं ये, क्योंकि आजादी से लेकर आज तक की इनकी पूरी हरकतें आप देखिए, इन्होंने कोई देश के लिए अच्छा काम नहीं किया है। अब मैं आपको ये यकीन दिलाता हूं, संवैधानिक जो एजेंसियां हैं, संस्थाएं हैं, वो हमारा साथ नहीं देंगी, क्योंकि उनको सबको तोड़ मरोड़ के इन्होंने अपने हिसाब से, इन्होंने न्यायालय तक को अपने हिसाब से चला रहे हैं, तो हम किसकी उम्मीद लगाएं? अब हमारे पास एक ही रास्ता है, सबसे बड़ी ताकत देश के अंदर संसद की नहीं है बल्कि जनसंसद की है, क्योंकि जिसको कोई बनाता है वो ताकतवर नहीं होता, बनाने वाला ताकतवर। तो हम संसद का निर्माण कौन करता है? जनसंसद करती है, हम करते हैं। तो हम जनसंसद को इकट्ठा करेंगे, और जिस दिन जनसंसद इकट्ठा हो जाएगी उस दिन किसी की औकात नहीं है कि ये ना हटाएंगे, हम ईवीएम को हटा करेंगे। सुनते, हमें ना इन पार्टियों से कोई उम्मीद है, और ना ही हम इनके उम्मीद के ऊपर टिकेंगे बिल्कुल भी, और ना ही संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर, क्योंकि सबको कंडम कर रखा है। ये जो नाजायज सरकार आज भाई, मैं इसको नाजायज सरकार कहूंगा, मुझे कोई डर नहीं है, बिल्कुल नाजायज है, ईमानदार नहीं है, बेईमान आदमी है सबके। आप पीछे इनके इतिहास उठा के देखो, इस सरकार के अंदर कितने एमपी घोटालेबाज हैं, कितने एमपीओं के ऊपर केस चल रहे हैं, कितनों के ऊपर बलात्कार के केस हैं, भ्रष्टाचार के केस, क्या वो शासन करने लायक है? ये लोग कानून बनाएंगे देश के लिए? तो बिल्कुल हम इनको हटाएंगे, किसी भी हालत में उखाड़ेंगे, कोशिश है जल्दी से जल्दी, और तुरंत हम इनको, हमें किसी और के साथ की जरूरत नहीं, सिर्फ जनता का साथ चाहिए। मुझे विश्वास है जो समर्थन हमें पूरे देश भर से मिल रहा है, हर वर्ग का हमें समर्थन मिल रहा है, किसानों का मिल रहा है, विद्यार्थियों का मिल रहा है, और गरीबों का मिल रहा है, सैनिकों का मिल रहा है, लाखों सैनिक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लाखों किसान जुड़ रहे हैं, गरीब जुड़ रहे हैं, और उन्होंने कहा है कि बिल्कुल हम हटा करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है हम बहुत जल्दी इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि चुनाव आयोग को सरेंडर करना पड़ेगा, सरकार को सरेंडर करना पड़ेगा, और ईवीएम हटेगी, बैलेट पेपर वापस लागू होगा। आपने हमारे साथ राम महर मलिक जी, जिन्होंने बताया कि ईवीएम एक बहुत बड़ा धांधला है, जो देश के अंदर अगर जनता भी इस बात को समझती है तो उसको भी सड़कों पर उतरना पड़ेगा और सरकार को एक करारा जवाब देना पड़ेगा। आपने हमारे चैनल से बात करी, इसके लिए धन्यवाद मलिक सर। जय हिंद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।